दोस्तों, इसके अंदर का टेक्सचर भी मैं आपको दिखा दे रही हूँ। ये ऊपर से एकदम क्रिस्पी है और अंदर से एकदम सॉफ्ट है और इसके अंदर एकदम क्रीमी सा एकदम चीज़ी फ्लेवर है दोस्तों। ये देखिए, बहुत ही माउथ वाटरिंग है दोस्तों। आपको बहुत ही मज़ा आएगा ये रेसिपी बना के और खा के। बहुत ही टेम्पटिंग है, न्यू है, यूनिक सी रेसिपी है। अगर आप एक ही रेसिपी खा के बोर हो गए हैं तो ये नया सा हटके आप ज़रूर ट्राई कीजिए, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा दोस्तों। तो चलिए फटाफट से रेसिपी शुरू करते हैं दोस्तों। हेलो फ्रेंड, आप लोग कैसे हो? उम्मीद करती हूँ अच्छे से होंगे। तो दोस्तों, आज हम बॉयल आलू और कच्चे आलू से ऐसी रेसिपी आप लोग के साथ शेयर कर रहे हैं, जब कभी आपके घर में कुछ भी ना हो और इंस्टेंटली हल्का फुल्का इवनिंग स्नैक्स में कुछ चटपटा खाना हो, चुटकियों में जो बन जाए और कम इंग्रेडिएंट के साथ एकदम चटपटा रेसिपी बने। इसके आगे समोसा, कचौड़ी, पकौड़ी, बर्गर, फ्रेंच फ्राई भी फीका लगे, मंचूरियन वगैरह सब दोस्तों, तो बहुत ही अमेजिंग है। और ख़ास बात की बहुत ही बेसिक इंग्रेडिएंट के साथ, मामूली से इंग्रेडिएंट के साथ एकदम इंस्टेंटली बन जाता है। 2 मिनट वाली रेसिपी है, चटपटा भी है, कोई ज़्यादा सामान की इसमें आवश्यकता भी नहीं है और मेहनत की भी आवश्यकता नहीं है। आपसे रिक्वेस्ट है, अगर रेसिपी आपको अच्छा लग जाए तो इस रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग को मिल जाए। साथ ही फेसबुक पे आप मुझे देख रहे हैं तो फेसबुक पे भी मेरे पेज को फॉलो कर लीजिएगा दोस्तों। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 4 बॉयल आलू मैंने ले लिए हैं। इनको ज़्यादा सॉगी नहीं करना है, नहीं तो फिर एक गीलापन सा आ जाएगा। इसको कद्दूकस की सहायता से हम ग्रेट कर लेते हैं। पहले इनको हमने ग्रेट कर लिया है दोस्तों। यहाँ पे 1 चम्मच भरकर हम साबुत जीरा ऐड करेंगे। साथ में आप देख सकते हो यहाँ पे सौंठ का पाउडर है, तो 1/4 करीब हम सौंठ का पाउडर ऐड करेंगे। ब्लैक पेपर का पाउडर है, ब्लैक पेपर पाउडर है, वो ऐड करेंगे। साथ ही इसमें चाट मसाला, चटपटा फ्लेवर देने के लिए चाट मसाला ऐड करेंगे। रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे दोस्तों। मसाले वगैरह जो है आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हो दोस्तों। और बहुत बेसिक से मसाले हैं जो इजीली सबके घर में अवेलेबल रहते हैं। यहाँ पे गरम मसाला है दोस्तों, तो 1/4 करीब हम गरम मसाला भी ऐड करेंगे। साथ ही यहाँ पे बारीक कटा हुआ हरी मिर्ची है दोस्तों, तो हरी मिर्ची भी ऐड करेंगे। इसके अकॉर्डिंग हम नमक ऐड करेंगे दोस्तों, जैसा आपको सॉल्टी पसंद है उस अकॉर्डिंग आप नमक ऐड कर लीजिएगा। फ्रेश फ्रेश कोरिएंडर लीव ऐड करेंगे दोस्तों। सारी चीज़ों को बढ़िया से आपस में मिला गुला लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, बहुत ही इंस्टेंटली है और बहुत ही चटपटा फ्लेवर आता है। जैसा आपको आलू का मसाला बनाना है अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, आलू का मसाला आप बना सकते हैं दोस्तों। तो सारी सामग्री को अच्छे से हमने मिला दिया है, मसाले को अच्छे से हमने गूंथ लिया है, इसको हम साइड रख देते हैं। यहाँ पे 2 मीडियम साइज के कच्चे आलू मैंने ले लिए हैं। इनको पहले हम कद्दूकस की सहायता से ग्रेट कर लेते हैं। तो कद्दूकस की सहायता से बढ़िया से घिस लिया है, इसको अच्छे से हमने धो लिया है 2-3 बार पानी से। अब इसका सारा पानी निचोड़ के आलू को हम अलग से बर्तन में निकाल लेते हैं। सारा पानी आलू का हमने निचोड़ लिया है, अलग से बर्तन में ले लिया है। अब यहाँ पे कॉर्नफ्लोर हम ऐड कर देंगे, तो यहाँ पे 6 से 7 चम्मच मैंने कॉर्नफ्लोर ले लिया है और आलू को कॉर्नफ्लोर के साथ बढ़िया से हम मिला लेते हैं। तो आलू के मसाले को हम ले लेंगे। इसकी शेप आप जैसे भी चाहो वैसे आप बना सकते हो, कोई इस तरह से हम कर देंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों, चीज़ है तो इसमें हम चीज़ को भर देंगे, जिससे ये जो रेसिपी है और बहुत ही बढ़िया बने, अमेजिंग बने और बच्चों को बहुत ही पसंद आने वाला है दोस्तों। बच्चों के लिए ये फेवरेट रेसिपी होगी दोस्तों, क्योंकि इसमें चीज़ का जो फ्लेवर है बहुत ही बढ़िया आने वाला है दोस्तों। तो इस तरह से बढ़िया से हमने भर दिया है। अब यहाँ पे मैंने थोड़ी सी बड़ी बॉल ली है दोस्तों, आप छोटी बॉल भी ले सकते हो। और यहाँ पे जो हमारा ये कॉर्नफ्लोर और आलू जो है, और इस आलू को हम ले लेंगे और इसको बढ़िया से हम इसमें प्रेस कर देंगे। तो ऐसे सारे रेसिपी को हम रेडी कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, हमारी जो रेसिपी है पूरी रेडी हो गई है। यहाँ पे ऑयल को मैंने पहले ही गरम करके रखा हुआ है और थोड़ा सा ही ऑयल लिया है। यहाँ पे हमारी जो बॉल है यहाँ पे हम डाल देंगे। एक बैच में जितना हटेगा उतना ही डालिएगा दोस्तों। अब इस रेसिपी को लो टू मीडियम पे अच्छे से उलट पुलट करके हम फ्राई करके अलग से बर्तन में निकाल लेंगे। तो ये लीजिए दोस्तों, शाम का टी टाइम इवनिंग स्नैक्स, हल्का फुल्का आपका यूनिक सा एकदम डिफरेंट गर्मा गर्म आपका नाश्ता रेडी हो गया है। सिर्फ आलू से मिलके हमने इसे बनाया है, कोई भी ज़्यादा इंग्रेडिएंट इसमें नहीं लगे हैं। ऊपर से एकदम क्रिस्पी है और अंदर से एकदम सॉफ्ट और उसके अंदर एकदम क्रीमी है दोस्तों। बहुत ही चीज़ी है, बच्चों को बहुत पसंद आएगा, बड़ों को भी बहुत पसंद आएगा और एकदम हट के आपका ये नया नाश्ता है दोस्तों। आगे आपको समोसा, कचौड़ी, पकौड़ी, बर्गर, पिज़्ज़ा,
मंचूरियन और फ्रेंच फ्राई फीके लगेंगे दोस्तों। तब तक ऐसी ही प्यारी रेसिपी से मिलती हूँ, तब तक आप फुल फैमिली फुल दोस्तों के साथ इसे घर पर खाइए या फिर लंच बॉक्स में ले जाइए या फिर सफ़र में कहीं भी ले जाइए, लेकिन खाते खाते अपने इस प्यारे से दोस्त को ज़रूर याद कीजिए दोस्तों। बाय बाय, टेक केयर।